अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। अब आप मुफ्ती आने कराम के साथ बैठेंगे। इंजीनियर साहब, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, जोर जबरदस्ती कोई नहीं है, और न सो इधरू। मगर अब मेरी ये ख्वाहिश भी है, दरख्वास्त भी है कि 26 नवंबर को मुफ्ती साहब और ये ना चीज आपके पास आ रहा है। मगर क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मगर इस बार हम आ रहे हैं, हम सब बैठ रहे हैं, एक तरफ मुफ्ती साहब बैठ रहे हैं, एक तरफ आप बैठ रहे हैं। 26 नवंबर को आप इसको मुकालमा कह लें, मुबाहिसा कह लें, मुनाजरा कह लें, जो अच्छा नाम आपको देना है दे दें, ये हो रहा है। तैनू विच किसने चमचा बनाया कड़छा? बीच में हमारे कानों ने, इन गुनाहगार कानों ने, इन आंखों ने एक वीडियो देख ली, एक ऑडियो सुनाई दी, पुरानी हो सकती है, डजंट मैटर, मगर उसमें रूल टूटा और रूल ये था कि सलमान मिसबाही साहब के साथ मैं बैठूंगा, उनको बुला लें। मैंने कॉल लगाई। आप कौन? मैंने ये बात वीडियो पे डाली है। मैंने कहा इंजीनियर साहब उन्हें ज्यादती हो गई है। ये ज्यादती है। और यही हरकत की है वो हमारे एक भाई ने, वैस रबानी ने भी, उसने भी यही हरकत की कि उसने पकड़ के पूरी वीडियो बना दी है, सारी गलती उससे हुई है। फिर मैंने उसे फोन पर डांटा, मैंने कहा यार तुमने ये क्या हरकत की है? तो वो कहने लगा नहीं, वो ये मेरा ख्याल था उसमें से। मैंने कहा यार मैंने पूरा ख्याल क्लियर किया, तुमने अपना लुकमा मेरे मुंह में डाला है। मैंने पहले दिन से ये बात की हुई है कि हम इनके नुमाइंदा उलमा जब तक इनको वीडियो में सर्टिफिकेशन नहीं देते हम नहीं बैठेंगे। जो मिसबाही साहब वाला मामला था उस वीडियो में मैंने इस बात को रिपीट किया है कि मिसबाही साहब और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये दो बंदे ऐसे थे जिनसे मैं 5-6 साल पहले कमिटमेंट कर बैठा था, और उसमें से जो तारिक मसूद साहब वाला एपिसोड हुआ वो तो आप लोगों के सामने है। तो मिसबाही साहब को मैंने इस वीडियो में कहा था कि चूंकि मैंने आपसे पहले उस जमाने में एक कमिटमेंट की हुई थी, लिहाजा मैं आपको ये फेवर देता हूं उस कमिटमेंट की वजह से, ना कि ये कोई नई ऑफर दी हुई है। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है। इंजीनियर साहब ने कहा आप समझे नहीं है, ये पुरानी वीडियो है। मैंने उनको कॉल पे भी कहा, यहां भी ये बात कह रहा हूं, पुरानी और नई से हमारा ताल्लुक ही नहीं है। अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। दरवाजा किसी के लिए पहले खुला है या बाद में खुला है इससे फर्क नहीं पड़ता, दरवाजा बंद था जो आपने कहा किसी के नहीं खुलेगा वो किसी के लिए खुला है। तो ये क्या बात हुई कि मीठा मीठा खा खा कड़वा कड़वा थू थू। हम कहते हैं आजा आजा, रुको जरा सबर करो, ये देखो। तो अरस भाई मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जिस तरह यहूद और नसारा की बातें सुन के मुसलमान बगैर कुरान पढ़े कुरान के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, आपने भी अपने दूसरे दोस्तों की बातें सुन के मेरे बारे में बात कायम कर ली और मेरी बात आपने सुनी तक नहीं है, आप पूरी गुफ्तगू तो सुने। और यही हरकत की है वो हमारे एक भाई ने, वैस रबानी ने भी, उसने भी यही हरकत की कि उसने पकड़ के पूरी वीडियो बना दी है, सारी गलती उससे हुई है। फिर मैंने उसे फोन पर डांटा, मैंने कहा यार तुमने ये क्या हरकत की है? तो वो कहने लगा नहीं, वो ये मेरा ख्याल था उसमें से। मैंने कहा यार मैंने पूरा ख्याल क्लियर किया, तुमने अपना लुकमा मेरे मुंह में डाला है, मैंने कब ये बात की हुई है? तो मैं पता है कि मैंने ये कहा था कि उससे पुरानी कमिटमेंट थी, मैं इस तरह नहीं किसी के साथ मिलता, तो तुमने जानबूझ के अपना लुकमा मेरे मुंह में डाला। तो मैंने उसे फोन पर काफी डांटा था इस वाके के ऊपर कि तुमने जो हरकत की। मैंने तो डांटने पे इत्तेफाक किया और कोई वीडियो नहीं उसके ऊपर बनाई, और ये भी चूंकि अभी आपका वाक्य आया तो मुझे उससे ज़हन में आ गया कि ये सारी शरारत उसकी वजह से हुई। लेकिन जो उन्होंने दूसरे मुफ्ती का या मुफ्तियों का जिक्र किया, उन्होंने तो पकड़ के वीलॉग बना के वैस रबानी के साथ जो कुछ की है वो उनको मेरे ख्याल रूहानी तौर पर आराम भी आ गया होगा, उन्हें पता चल गया होगा कि इंजीनियर में बाकी लोगों में कितना फर्क है। और अभी तो रुको, लाशा को शुबा भाई मोहम्मद वैस रबानी साहब खुश अखलाक भी हैं, बावकार भी हैं, खुश गुफ्तार भी हैं, बाकिरदार भी हैं, उनमें अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियां रखी हुई हैं। तमाम अपनी तमाम तर खूबियों के बावजूद इस अनाउंसमेंट में शायद जज्बात में उनसे एक अखलाकी कमजोरी का मुजाहरा हुआ है, और वो ये है कि उन्होंने इस अनाउंसमेंट से पहले मेरे से इस तारीख को मुतय्यन करने के वाले से किसी किस्म का कोई राबता नहीं किया है। तो इस तरह से बगैर राबता किए हुए अपनी तरफ से किसी दिन को मुतय्यन करके उस पर मुनाजरे का ऐलान कर देना, मैं समझता हूं कि ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है, और मैं समझता हूं कि ये अखलाकी तौर पर उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अनाउंसमेंट से पहले मुझसे फोन करके पूछ लेते कि क्या मैं 26 नवंबर को मुनाजरा करने के लिए अवेलेबल हूं भी या मैं मौजूद ही नहीं हूं, और वो अनाउंसमेंट कर लें। और उसमें वो अवैस रबानी के साथ जो कुछ उन्होंने किया वो जस्टिफाई है वो लोग करने में।